इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उपचुनाव को लेकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। दो सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। हमीरपुर से पुष्पेंद्र वर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है, वहीं नालागढ़ से हरदीप बावा को टिकट मिला है। अभी देहरा सीट पर कांग्रेस ने नाम का ऐलान नहीं किया है। तो दो सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस ने अपनी दो सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। हमीरपुर से पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट मिला है, वहीं नालागढ़ से हरदीप बावा को टिकट मिला है। वहीं देहरा सीट पर अभी नाम आना बाकी है। तो कांग्रेस ने अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है। हमीरपुर से पुष्पेंद्र वर्मा को उतारा है। आशीष शर्मा के सामने कांग्रेस ने पुष्पेंद्र वर्मा को उतारा है। वहीं नालागढ़ की बात करें तो हरदीप बावा को टिकट मिला है। केएल ठाकुर के सामने हरदीप बावा को टिकट मिला है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड अनिल ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनिल जी, उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दो सीटों का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक देहरा सीट पर कांग्रेस ने अपने नाम का ऐलान नहीं किया है। अंजलि, देखिए, कांग्रेस की जो लिस्ट है वो आ चुकी है, लेकिन उसमें सिर्फ दो नाम है, यानी नालागढ़ से हरदीप बावा और हमीरपुर से पुष्पेंद्र वर्मा को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है। लेकिन देहरा की सीट है उस पर अभी नाम को होल्ड किया गया है। अब उसके पीछे क्या वजह है ये अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन हाँ, वहां पर कई नाम जो है रेस में है। राजेश शर्मा और नरदेव कंवर जैसे नाम लाइन में है। लेकिन इसके अलावा ये भी खबर थी कि कार्यकर्ता जो है वो सीएम की जो धर्मपत्नी है उनको भी टिकट देने की जो ख्वाहिश जो है वो जता चुके हैं और उस पर फैसला होना बाकी है। वहीं हमीरपुर सीट से देखिए पुष्पेंद्र वर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है और यहाँ पर फीडबैक को आधार बनाया गया है। फीडबैक के आधार पर पुष्पेंद्र वर्मा को जो है वो कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। पिछली बार भी वो कांग्रेस की तरफ से आशीष शर्मा के सामने थे, लेकिन पिछली बार आशीष शर्मा जो है वो मैदान मार गए थे विधानसभा चुनाव के दौरान और उन्होंने जीत दर्ज की थी निर्दलीय विधायक के दौरान। लेकिन अब वो भाजपा की टिकट पर जो है वो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में है। और इसके अलावा नालागढ़ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के पास जो है बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे। हरदीप बावा जो है उनका नाम चल रहा था और उनको लगभग तय था कि उनको टिकट मिलना ही है। जी अनिल, क्या लगता है कि हमीरपुर से पुष्पेंद्र वर्मा आशीष शर्मा को टक्कर दे पाएंगे? वहीं अगर नालागढ़ की भी बात करें तो हरदीप बावा केएल ठाकुर के सामने कांग्रेस की तरफ से उतरे हैं, तो क्या लगता है ये पूर्व निर्दलीय विधायक टक्कर दे पाएंगे? देखिए, पुष्पेंद्र वर्मा वो नाम है जिनके मैदान में आने से अब वहां पर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है। हालांकि इसके अलावा पहले सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर सुनील बिट्टू हैं, उनका नाम भी था, लेकिन ये माना जा रहा है कि पुष्पेंद्र वर्मा जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं आशीष शर्मा के सामने और वो कड़ी टक्कर दे पाएंगे। वहीं हरदीप बावा जो है वो काफी सक्रिय हैं फील्ड में, वो भी वहां से कड़ी टक्कर जो है बीजेपी के प्रत्याशी को वहां से दे सकते हैं। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल इस खबर पर जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने अपनी दो सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। देहरा सीट पर अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान होना बाकी है।